हेलो दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज एकेडमी ऑनलाइन पर। मध्य प्रदेश जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकली है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश द्वारा संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के शेष रिक्त पदों के विरुद्ध संबंधित वर्गों के उम्मीदवार से 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन हेतु और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 6 माह के जो सर्टिफिकेट जो है CCH का जो कोर्स है कार्यक्रम है उसके अंदर, और जो CHO के जो सीधी भर्ती है उसके लिए इन्होंने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, आवेदन पत्र भरवा रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों को उक्त प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने या सीधी भर्ती प्रवेश परीक्षा में चयन के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय संस्थाओं पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर संविदा नियुक्ति दी जाएगी। उपलब्ध स्थान कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप। सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग 480 पद है, माह अप्रैल से सितंबर 2022 सत्र के लिए इन्होंने आवेदन पत्र मांगे हैं। दूसरा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है संविदा भर्ती सीधी भर्ती जो 486 पदों पर है। चयन प्रक्रिया हेतु सामान्य दिशा निर्देश श्रेणी और प्रशिक्षण बैचवार स्थान लिखित परीक्षा तिथि ऑनलाइन एडमिट कार्ड होल्ड की विस्तृत जानकारी आपको या इनकी वेबसाइट जो है वहां पर दी जाएगी या मिली जाएगी। ऑनलाइन जो आवेदन है वो कब से होंगे, 25 फरवरी 2022 को सुबह 12:01 से 15 मार्च 2022 को रात 11:59 तक चालू रहेगी। अनिवार्य शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं वो क्या क्या है। CCH प्रवेश परीक्षा के लिए क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे BSc नियर नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक जो है BSc नर्सिंग है, GNM है, BAMS तथा 1 फरवरी 2022 की स्थिति में वैध एवं जीवित पंजीयन होना चाहिए। 1 फरवरी 2022 तक आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बात आती है संविदा CHO पद पर सीधी भर्ती की, इनमें क्या होना चाहिए आपको। कम्युनिटी हेल्थ जो है एकीकृत कोर्स BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग उत्तीर्ण तथा 1 फरवरी 2022 की स्थिति में वैध एवं जीवित आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष तक। ठीक है, इसकी जो आपका कहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 फरवरी 2022 की 22 तक आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रशिक्षण सत्र एवं वर्ग के अनुसार जो उपलब्ध जो है सीटों है उनकी संख्या यहाँ पर बताई गई है। जो CCH के ट्रेनिंग है उसके लिए जो है अलग अलग सीटें बताई गई है कि जनरल में ओपन में कितनी है, 45 है, फीमेल के लिए 111 है, EWS के लिए 16 है, और EWS फीमेल के लिए 31 है, ST के लिए 36 ओपन के लिए है, और 36 सॉरी ST फीमेल के लिए 72 है, SC ओपन के लिए 18 है, और SC फीमेल के लिए 35 है, OBC ओपन जो है उसके लिए 35 और OBC फीमेल के लिए 71 है। PH के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप ये 7 सीटें हैं। संविदा जो CHO पद पर उनकी पदों की संख्या वो भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग पद हैं। तो जनरल के लिए इन्होंने दिए ओपन के लिए 56 और फीमेल के लिए 113, और EWS के जो हैं ओपन के 16 पोस्ट हैं और EWS फीमेल के लिए 31, ST ओपन के लिए 36 और ST फीमेल के लिए 73, SC ओपन के लिए 18 पद हैं और SC फीमेल के लिए 35, OBC
ओपन के लिए 36 और ओबीसी फीमेल के लिए 72। और इस तरीके से पीएच के भी यहाँ पे 7 पद आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक वर्ग में 33% सीटें पद महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित है। उम्मीदवार अपनी जो है एलिजिबिलिटी के अनुसार केवल एक प्रकार की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, या तो वो सीसीएच के लिए जो ट्रेनिंग है उसके लिए कर सकते हैं, या सीएचओ की भर्ती के लिए कर सकते हैं, एक के लिए ही वो क्या है एलिजिबल है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ जो सीसीएच प्रशिक्षण में चयन और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधे भर्ती के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, दोनों के लिए ही एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर है संविदा पद हेतु 25,000 प्रतिमा व कार्य आधारित प्रोत्साहन अधिकतम 15,000 रुपए माह है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आपके 40,000 रुपए पर मंथ हो जाते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है कि केवल ऑनलाइन आवेदन ये करवाएंगे, ठीक है, किसी अन्य स्रोत के माध्यम से आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। रिक्त स्थानों के विरुद्ध चयन एवं पद स्थापना मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अंतर्गत नियमों के अधीन ही होंगे। अपूर्ण जानकारी या फोटो अक्सर आवश्यक दस्तावेजों के बिना भरे गए आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि भर्ती के किसी भी चरण में ये पाया गया कि उम्मीदवार पात्रता को पूरा नहीं करता है तो उसे गलत सूचना या प्रमाण पत्र दस्तावेज गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाया है तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जाएगा। आपको फॉर्म भरते समय सही सही जानकारी आपको देनी है ताकि आपको आगे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। प्रक्रिया के किसी भी चरण में भर्ती से संबंधित किसी भी मामले में एनएचएम मध्य प्रदेश का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। चयन पूरी तरह से ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधारित होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास रिक्त पदों की संख्या में बदलाव, नियमों में संशोधन और चयन के किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन संशोधन का अधिकार है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य बाध्यकारी होगा। उम्र की गणना हम अभी देख चुके थे, 1 फरवरी 2022 जो है उस तिथि को संदर्भ के रूप में लिया जाना है, ये आप पूरा देख सकते हैं। अगर हमारी जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।